नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। भारत के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले प्रेस पे एक प्रहार हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में स्वराज खबर नाम से एक वेब पोर्टल चल रहा था, जो कि सन 2019 से सुचारू रूप से चालू था। कुछ दिन पहले हुए लॉकडाउन की वजह से पोर्टल के संस्थापक और संपादक कुछ दिनों से अपना रेंट नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से मकान मालिक और स्थानीय पुलिस के द्वारा उनके चैनल को बंद करा दिया गया और साथ ही साथ सील भी कराया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अपने प्रेस वार्ता में स्वराज बिहार के संपादक ने। स्वराज खबर पटना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, विशाल कुमार डायरेक्टर स्वराज खबर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंट इशू यह है कि स्वराज खबर मीडिया का शुभारंभ श्रीमती मंजू सिन्हा के किराए के मकान में 2019 में किया गया था। अप्रैल महीने में कोविड-19 एवं लॉकडाउन के कारण मकान मालिक को किराए का भुगतान नहीं हो सका, तब मैं उनको एक पत्र के माध्यम से दिनांक 2/7/2020 को अनुरोध किया कि व्यापार की हालत सुधरने के बाद सभी किराए का भुगतान कर दिया जाएगा। उक्त मेरे आवेदन का जवाब श्रीमती मंजू सिन्हा, जो मकान मालिक हैं, ने कानूनी नोटिस के द्वारा 18/8/2020 को दिया, जिसमें उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि यदि किराए का भुगतान नहीं किया गया तब आपके विरुद्ध 406 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं उनको दिनांक पुनः 27/8/2000 को जवाब देते हुए अनुरोध किया कि व्यापार की हालत सही हो जाने के बाद मैं सभी किराए का भुगतान कर दूंगा। फिर भी दिनांक 16/11/2020 को श्रीमती मंजू सिन्हा, इनकी बहू प्रभा श्रीवास्तव एवं इनका बेटा राजेश रंजन असामाजिक तत्वों के साथ मेरे परिसर में आए एवं बोले कि आपको परिवार को यथाशीघ्र खाली करवा दिया जाएगा। तत्पश्चात मैंने 9/12/2020 को पटना सिविल कोर्ट में टाइटल सूट 678/2020 दाखिल किया, क्योंकि टीनेंट कैनोट बी इविक्टेड, लॉ इज वेल सेटल्ड दैट द टीनेंट कैनोट बी इविक्टेड एक्सेप्ट इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, चूँकि कोई भी टेनेंट को हटाने के लिए उनको इविक्शन सूट फाइल करना होगा कोर्ट में, तब कोर्ट के डिक्री के आधार पर किसी भी टेनेंट को हटाया जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती टेनेंट को हटाना चाहती थी, तो मैंने टाइटल सूट 678/2020 9/12/2020 को फाइल किया। नाउ अचानक 14/12/2020 को लगभग 1 बजे बूढ़ा कॉलोनी थाना पुलिस मेरे परिसर में घुस गई और जबरदस्ती मेरे स्टाफ को कार्यालय से बाहर कर दिया एवं मेरा परिवार के मेन गेट, मेरे परिसर के मेन गेट में ताला लगाकर लाल कपड़े से सील कर दिया।